जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएसएफ के क्रोकोडाइल कमांडो के बारे में। क्रोकोडाइल कमांडो कैसे बनते हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है और ये कौन कौन से एरिया में ड्यूटी करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इन्हें क्रोकोडाइल कमांडो क्यों कहा जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। तो इन्हें क्रोकोडाइल कमांडो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जैसे मगरमच्छ नज़दीक से नज़दीक आ जाता है फिर भी पता नहीं चलता है, उसी प्रकार ये क्रोकोडाइल कमांडो भी दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक चले जाते हैं फिर भी सामने वाले को पता नहीं चलता है। दोस्तों, ये कमांडो पानी के अंदर हो या फिर जंगल, सभी खतरनाक जगहों पर ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ये कमांडो जैसे मगरमच्छ अपने शिकार के करीब आने का इंतजार करता है और धैर्य रखते हुए खामोश रहता है, उसी प्रकार ये कमांडो भी दलदली इलाकों में 2400 घंटे तैनात रहते हैं। दोस्तों, ये कमांडो गुजरात के सरक्रिक इलाके और हरामी नाला आदि ऐसी खतरनाक जगहों पर तैनात रहते हैं। सरक्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर निर्धारित करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्रोकोडाइल कमांडो कैसे बनते हैं। क्रोकोडाइल कमांडो बनने के लिए आपको बीएसएफ ज्वाइन करनी होती है। दोस्तों, क्रोकोडाइल कमांडो केवल वही बन सकते हैं जो बीएसएफ में होते हैं। जब आपकी बीएसएफ की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो क्रोकोडाइल कमांडो बनने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप में क्रोकोडाइल कमांडो बनने की क्षमता है या फिर आप क्रोकोडाइल कमांडो बनने के लिए फिट होते हो तो आपको 3 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर आपको कड़ी ट्रेनिंग कराई जाती है। यदि आप 3 महीनों की ट्रेनिंग या 3 महीनों का कोर्स कर लेते हो तो आप क्रोकोडाइल कमांडो बन जाते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी तरह की डिफेंस की अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।